कोई चुप रह के तो कोई शोर मचा के, हर कोई एक सही किरदार अदा कर रहा है। I don't want to do it. It was so difficult for me to get through this script. I said I don't want to do it. I can't. And I don't want. मैं अपने आप को उस जगह पे नहीं डालना चाहती. मैं नहीं ले जाना चाहती अपने आप को emotionally वहाँ. Because I couldn't. तो मैं ये बहुत टुकड़ों में मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है और मुझे स्क्रिप्ट पे बहुत डिटेल्ड काम करने की आदत है. मुझे बहुत इरिटेशन होती है अगर स्क्रिप्ट मेरे पास मजबूत एक बाइंड हुआ हुआ मेरे नोट्स लिखे हुए स्क्रिप्ट ना, मुझे घबराहट होती है, इनसिक्योर फील करती हूँ. ये स्क्रिप्ट मैं नहीं पढ़ना चाहती थी. मैं बार बार छोड़ देती थी, हटा देती थी. बहुत स्ट्रगल की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ने में. आई डिडंट वांट टू डू इट. जब पहली बार ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाया गया था, यानी जो पहली ही कॉल आई थी मुझे अली हसन की, मैंने उसी में हाँ कह दिया था. उनको बहुत सारे खदशात थे बिकॉज ऑफ माई डॉटर, बिकॉज ऑफ माई ओन सेल्फ के मोहसिन. अभी उसका कोई चौथा पांचवा ड्रामा है, वो फॉरन विलन करना चाहेगा या एक नेगेटिव रोल करना चाहेगा. तो एज एन एक्टर मेरे कभी भी इस तरह के तहफ़ुज़ात नहीं रहे कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा. इट्स जस्ट दैट कि अगर वो चैलेंजिंग है, अगर उससे अगर वो ऐसा मैसेज ओरिएंटेड नहीं भी है, तो एटलीस्ट वो इतना चैलेंजिंग हो कि मुझे बहसियत अदाकार अपनी अदाकारी दिखाने का मौका मिले. अब चूंकि इसके पीछे जितने भी मकासद थे वो बड़े नेक हैं, तो इसको ना करने की कोई वजह थी नहीं, तो हाँ ही करना था मुझे. उसकी रोने की आवाज सुनाई देती है मुझे, उसकी तकलीफ मेरे सर में भरी हुई है, उसका खौफ मेरे दिल को जकड़ के रखता है.